पिछले चुनाव में जय वीरू की जोड़ी चुनाव में थी और आप लोगों का आशीर्वाद मिला था। इस बार काका बाबा की जोड़ी आपके बीच है और फिर से वही सहयोग, वही उत्साह, उसी आशीर्वाद की जरूरत है ताकि फिर से जनहित के लिए प्रदेश में बैठक कर काम कर सकें। प्रदेश में काका बाबा के साथ आपके जिले में अजय विजय की जोड़ी भी चुनाव मैदान में है। आप लोगों को दोनों ही प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा तक पहुंचाना है। उक्त बातें कांग्रेस की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बलरामपुर जिले में कही TSC देवरे एवं प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा। आज रामानुजगंज से विधायक प्रत्याशी अजय तिर्की एवं सामरी प्रत्याशी विजय पैकरा के नामांकन रैली में बलरामपुर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए TSC देव ने कहा कि नए चेहरे को टिकट मिली है और आप सबको एकजुटता के साथ इनका समर्थन करना है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने लोगों को भूल जाना है और उन्हें पार्टी में सम्मान न दिया जाए। पुराने लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें साथ में लेकर चलना है, उनका सहयोग लेना है। इस बयान के जरिए उनका सीधा मतलब पूर्व विधायक एवं उनके समर्थकों से था। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से ही हम चुनाव जीतेंगे, सबको साथ लाना है। नए उम्मीदवार दिए हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि पुराने साथियों के लिए पूरे सम्मान की जगह और उनके योगदान के अनुसार पार्टी में पूरे मजबूती की जगह उनकी भी बने। परिवार है, मिलके हमको काम करते रहना है। और अभी राजेंद्र तिवारी जी ने बताया, पिछले चुनाव में जय और बीरू की जोड़ी चुनाव लड़ी छत्तीसगढ़ में, और भी साथी सब थे, आप सब थे। इस बार काका बाबा के साथ अजय और विजय की जोड़ी बलरामपुर से लड़ रही है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी, और मुझे लगता है मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पूरा साथ समर्थन दीजिएगा, जिता के दोनों को भेजिएगा। निवेदन करता हूँ आदरणीय शैलजा जी से कि वो दो शब्द संबोधन करके आपको आशीर्वाद देंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा तोड़ने का कार्य करती है और हम जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पहुंची अपार भीड़ एवं समर्थन से इस बात का परिचायक है कि हम यहाँ से चुनाव जीत कर विधानसभा में पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अच्छा कार्य किया है, गरीब पीड़ित लोगों की मदद की है, ऐसी योजनाएं लागू की है जो घर घर तक पहुंचकर लोगों को खुशहाल बना रहा है। आप सब एक बार फिर से हमें अपना समर्थन दें और अपने प्रत्याशियों को चुनाव जीतवा कर विधानसभा तक भेजें। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक सेवा करना है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 सालों में वही कार्य किया है। हमारी सरकार ने जो फैसले लिए किसानों के लिए, कर्मचारी के लिए, हर एक वर्ग के लिए हमारी सरकार ने फैसला किया है। हमारी सरकार बघेल जी के नेतृत्व में हमारे जी के साथ इनके साथ मिलाकर दोनों की जोड़ी ने अन्य नेताओं के साथ में जो 5 साल काम करके दिखाया है, आगे हमने फिर से काम करना है। अभी आपने सुना कि हमारे किसानों की एक आवाज कि पिछली बार राहुल गांधी जी के गहलोत से कि हम गरीब को न्याय देंगे, राहुल गांधी ने वादा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, कि सबने मिलजुल कर प्यार से सौहार्द से ये चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है अमन शांति। राहुल गांधी जी का संदेश है कि प्रेम से हमने लोगों को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को बांटने का काम करती है।
हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आज हम न्याय की बात करते हैं। हमारा फैसला है कि हम जातीय जनगणना करेंगे ताकि सभी को उनका हिस्सा मिल सके, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जो आंकड़े छिपाए और जरूरतमंद लोगों को। 5 साल में हमने जो काम किया, मैं तो बधाई देना चाहूंगी डीएस सिंहदेव जी को, जिन्हें प्यार से सभी लोग बाबा कहते हैं। मैं बधाई देना चाहूंगी विभाग में इंकलाब लेकर आए हैं, जो लोगों को जरूरत पड़ती थी, गरीब लोगों को, आम नागरिक को जरूरत पड़ती थी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाले पड़ जाते थे। आज चारों तरफ इन्होंने जाल बिछा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं सड़क बिछाई हैं पूरे प्रदेश में। आने वाला समय इनका है और मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देती हूँ, खास तौर से आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आपका उत्साह बता रहा है कि आपने भारी बहुमत से जिताना है, 75 से ज्यादा सीटें आप जिताएंगे। वही टिकट कटने के सवाल पर प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है, यह हर पार्टी में होता है और चुनाव में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए सभी सर्वमान्य है, हम पार्टी के अंदर एक परिवार है, सभी को साथ लेकर चलेंगे, सभी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नामांकन भरने के लिए हम आए हैं और हमारे प्रत्याशियों के साथ मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिन्होंने पूरा कार्य किया है लोगों के बीच में, पहले से मजबूत रहे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा जो हमारा क्षेत्र है कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह पूर्ण बहुमत से यहां से निकाल कर लेके जाएंगे हम सीट, और सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। मालूम पड़ेगा आपको, उससे पहले लीक थोड़ा ही होगा आपको। देखिए सबके लिए करेंगे, महिलाओं के लिए भी, हम युवाओं के लिए भी, सबके लिए करेंगे। बलरामपुर जिले के 2 विधायकों का टिकट कटा है, क्या उनके बगावती तेवर शांत हो गए? देखो बात कटने की नहीं होती, ये बार बार कटना कहते हैं, ये बदलाव होता है कभी किसी का कभी किसी का, और इस अगर किसी को बदला है इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कोई भविष्य नहीं हो। पार्टी में जो निष्ठा से काम करेगा उसका हमेशा भविष्य ठीक रहेगा और पार्टी उनका ध्यान रखेगी। बहुत उत्साह है, जब से हम उतरे हैं यहाँ पर और सड़क पर भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है, लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं और लोगों में यही लालसा है कि तीनों सीटें यहाँ पर जीत कर भेजें। बहुत जगह है, जब इतने MLA थे हमारे पास, 71 MLA थे, तो बीच बीच में कई जगह लोगों को महसूस हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं को महसूस हुआ कि कुछ जगह बदलाव आना चाहिए, और बदलाव जब आता है तो थोड़ा सा कुछ मन में लगता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति जो निष्ठा रखेगा उसको आगे भी देखा जाएगा कहीं ना कहीं, और बदलाव तो स्वाभाविक होते हैं, पहले भी आए हैं आगे भी दोबारा फिर से कभी किसी को फिर से मौका भी मिल सकता है, वैसी कोई बात नहीं है। आपको लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त हैं दोनों तरह से, तो यहाँ पर भी काम हुआ और पूरे राज्य में सभी लोग जो खुश हैं, हमारी सरकार ने जो काम किया है उससे बहुत खुश हैं, और आने वाले समय में भी जो भरोसा है हमारा उसको लोग भी बरकरार रखेंगे, हम भी बरकरार रखेंगे। वही रामानुजगंज से प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की एवं सामरी से प्रत्याशी विजय पैकरा के नामांकन में पहुंचे टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामानुजगंज और सामरी में क्या स्थिति है, यह नामांकन में पहुंची भीड़ बता रही है कि वे नए चेहरों को भी मौका देंगे और चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। हम सब एकजुट हैं और पिछले 5 साल में जो कार्य सरकार ने किया है, जिस तरह का कार्य किया है, मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई सरकार 5 साल में इतना कार्य करती है। इस कार्य का नतीजा है कि हमने 75 पार का टारगेट सेट किया है और जीत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो कई जगह है, आज कोरबा में भी था, यहाँ भी है, और सरगुजा में मुझे ये लगता है कि मैं खुद भी नामांकन भर रहा हूँ। जहाँ भी चुनाव हो रहा है मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि परिवार भी, हम लोग भी कांग्रेस के साथ सदैव समर्पित रहे हैं,
और जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ते हैं लगता है कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। तो हम लोग सब साथ आए हैं, प्रत्याशियों के साथ आए हैं, साथ लड़ने के लिए आए हैं और भरपूर मन में यही इच्छा और समर्पित भाव है कि क्षेत्र का निरंतर विकास होता रहे, सरगुजा आगे बढ़ता रहे। समय के हिसाब से देखिए, आज खड़गे जी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, 80 से ऊपर के हैं, जवाबदारी मिली है उस हिसाब से कर रहे हैं। मेरे मन में हमेशा ये विचार रहता है कि समय भी देना चाहिए, जगह भी देनी चाहिए, नई पीढ़ी को भी हमको आगे लाना है और नई पीढ़ी आगे आ रही है। आपने सामरी से देखा कि नए प्रत्याशी के रूप में एक युवा को पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता, मैं हूँ, मैं कितने दिन चलूँगा, प्रकृति है, मेरी उम्र के हिसाब से मेरे लिए भी एक समय होगा। हाँ, अभी मैं मैदान में केवल इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि भी, मेरी सोच भी और मेरा शरीर भी पूरी तरह से साथ दे रहा है। जब तक शरीर साथ देगा तब तक सक्रिय रहूँ। वो आप देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं और जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। एक ऐसा लग रहा था कि संघर्ष है, अच्छा संघर्ष है, लेकिन एक भावना जो मैंने देखी मतदाताओं में एक बदलाव की है। अनेकों जगह लोग नया चेहरा चाह रहे हैं, तो नए चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। जिम्मेदार, व्यवहारिक, काबिल नए चेहरों को मौका दिया है और विश्वास है कि मतदाता भी भरपूर साथ देंगे। सर, अंबिकापुर सीट से आप खुद प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं और एक हिसाब से वो पहले जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो आपके समर्थक रहे हैं, किस तरह से चुनाव मैदान में आपको टक्कर दे सकते हैं? हर खेल नया खेल एक चुनौती रहता है और कहीं भी हल्का लेने की किसी को गुंजाइश नहीं रहती, ना मेरे को ना उनके तरफ से। कांग्रेस और भाजपा दोनों मजबूत संगठन है, निर्णय मतदाता करते हैं और मतदाताओं पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और एक बार और मुझे काम करने का मौका देंगे। कम से कम 2/3 हमने लक्ष्य तो 75 पार कर रखा है और जो फीडबैक मिल रहा है उसमें भी अच्छा समर्थन लोगों की तरफ से। सरकार ने देखिए जो पिछले 5 साल में काम किए हैं वो अप्रत्याशित हैं, कई ऐसे काम किए हैं। मेरा भी अब अनुभव 40-50 साल का राजनीति में हो गया, कई सरकारों को और कई पार्टी की सरकारों को मैंने देखा, 5 साल में इतना ज़्यादा काम, एक सोच को लेकर आगे चलना, न्याय की बात को लेकर आगे चलना। राहुल जी ने जो सिद्धांत हमको दिए थे कि हर परिवार की आमदनी को बढ़ाना आपके सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए चाहे वो घर की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे खेती की बात हो, चाहे वन उपज की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, हर जगह लोगों के घर में ज़्यादा पैसा पहुंचाने का काम किया है। लोगों के वेतन बढ़ाने की बात हो, पेंशन बढ़ाने की बात हो, रसोईया की बात हो, हर को कुछ ना कुछ इस सरकार ने दिया है, ऐसा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। बहरहाल, रामानुजगंज सीट से भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम को टिकट दी है, जो यहां से लंबे समय तक विधायक रहे हैं। उनके मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की के लिए यह सीट कड़े मुकाबले वाला हो गया है। बहरहाल, मौजूदा विधायक बृहस्पति सिंह के टिकट काटे जाने के बाद इस सीट पर कांग्रेस को अंदरूनी उठापटक का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं सामरी से प्रत्याशी विजय पैकरा को भी क्षेत्र में कंवर के साथ साथ उरांव वोटों को साधने का बड़ा टारगेट लेकर चलना होगा। राजपुर ब्लॉक में लगे अधिकतर उरांव वोटों के बीच कांग्रेस को अपनी पैठ मजबूत करने की जरूरत है।